वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। इस वक्त गाइस मैं लाइब्रेरी की ओर जा रहा था, तो आज मेरा दिल है मैं आपको अपनी बूस्टर की जो लाइब्रेरी है मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। और ठंड यहाँ पर पूरी शुरू हो गई है, मैंने भी जैकेट डाल ली है, आपने कभी मुझे जैकेट में नहीं देखा होगा। तो यहाँ पर 4-5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा है। तो इस वक्त गाइस मैं स्ट्रीट में हूँ, यहाँ की जो मेन स्ट्रीट है, और इधर मेरे पीछे आप बस स्टैंड देख सकते हो, यहाँ बूस्टर का ये बस स्टैंड है। ये एक बस खड़ी है, ये मालवन के लिए जा रही है, और ये आगे बस स्टैंड है। तो वैसे आज फ्राइडे है, और गाइस जो मेरे पीछे आप स्ट्रीट देख रहे हो यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगी हुई हैं। तो यहाँ पर सैटरडे संडे फ्राइडे ये 3 दिन यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह चलती हैं। तो कुछ भी बाई करना है यहाँ पर आपको प्राइस वगैरह अच्छे मिल जाते हैं, तो डिस्काउंट वगैरह होता है 3 दिन में, जो अपने इंडिया में जैसे संडे मार्केट लगती है तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो ये बूस्टर का मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं बोल रहा था बस स्टैंड। यहाँ से बर्मिंघम भी जाती हैं बसें और मालवन के लिए भी जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बसों की लाइन लगी हुई है, तो ये सब अलग अलग रूट को हैं। और यहाँ पर आप अंदर वेट कर सकते हो, क्योंकि अगर बारिश हो रही होती है तो आप यहाँ पर अंदर बैठकर वेट कर सकते हो। इसके अंदर भी ये पूरा स्टेशन है, बस स्टैंड बहुत बढ़िया है। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो सभी बसें यहाँ से जाती हैं, और इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ ऊपर मेरे शॉपिंग मॉल है, ये अंडरग्राउंड है, ये नीचे का रास्ता है सारा, और नीचे इतनी शॉप्स नहीं है। अगर ऊपर आप जाते हो यहाँ से जो लिफ्ट जा रही है आप देख रहे हो, तो ऊपर क्राउन गेट है, पूरा शॉपिंग मॉल बना हुआ है बहुत ही बढ़िया। अंदर सभी अब शॉप्स खुली हुई हैं, कोरोना वायरस का कोई भी इशू नहीं है। और यहाँ पर खाने पीने की 2-3 शॉप्स हैं, आप देख सकते हो ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको लाइब्रेरी देख के चलता हूँ, यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। तो मैं जा रहा था, मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो बूस्टर में रहते हैं जो स्टूडेंट आए हैं उनको तो ऑलरेडी पता ही है। मेरे यहाँ पीछे एक बिल्डिंग देख रहे हो ना, बहुत पुरानी सी लग रही है आपको, दिखेगी नाइट क्लब लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, तो यहाँ पर पार्टी का सीन चलता है बहुत बढ़िया। यहाँ पर फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, मंडे को भी चलता है, 3-4 दिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स भी आते हैं। और देखने में आपको दिख रहा है कितनी पुरानी बिल्डिंग है, पर इसके अंदर का माहौल कुछ और ही होता है। ये यहाँ पर देखो इन्होंने लगाया हुआ है, ये दूसरी एंट्रेंस है, दूसरी बिल्डिंग है, जो पीछे थी वो दूसरी बिल्डिंग है। तो एक्चुअली मैंने कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकालने हैं, तो यहाँ पर प्रिंटिंग का सिस्टम भी बहुत अलग है। मैंने कभी भी ऐसे इंडिया में डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट नहीं निकाले। अगर मुझे परमिशन मिली अंदर लाइब्रेरी के शूट करने की तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, अभी मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो क्या बोलते हैं। तो अब हम लाइब्रेरी में जाकर ही आपको मिलते हैं गाइस। लाइब्रेरी के पास पहुंच चुका हूं, मैं आपको बाहर से दिखाता हूं इसका व्यू कैसा है, बिल्डिंग कैसी बनी हुई है। तो ये पूरी गोल्डन कलर की बिल्डिंग बनी हुई है, पर ये एक्चुअली में गोल्ड वगैरह नहीं है, ये आपको भी पता ही है। यहाँ से मेन एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं मेरी यूनिवर्सिटी का नेम लिखा हुआ है, और इधर ये दी हाइव जो लाइब्रेरी का नेम है, दी हाइव है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था ना कोरोना के टाइम में, ये कुछ दिन पहले मैं आया था, तो यहाँ पर ना मतलब लाइन लगी हुई थी, तो अंदर जाने का सीन बहुत ही मुश्किल था, मुझे आधा घंटा लग गया था अंदर जाने में। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेस्ट हो रहा था, वो थर्मामीटर लगाते हैं माथे पर, तो आपको अंदर जाने देते थे यहाँ पर भी। तो आज का मुझे पता नहीं है कैसा होता है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ और मैं उनसे बात करूँगा। उस दिन मुझे 30 मिनट्स लगे थे अंदर जाने के लिए, और PC बुक हुआ था तो मैं अंदर गया था। मुझे ना परमिशन मिल गई थी यहाँ पर शूट करने के लिए, मैंने अभी फॉर्म फिल किया है, मैडम से बात की, तो वो कहते कि किसी की इमेज नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, स्टूडेंट है जो भी हैं उनके वो YouTube पे बिल्कुल नहीं लाना तुमने, स्टूडेंट जितने भी हैं बच्चे। तो मैंने एंट्री की बाहर, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर मैंने यहाँ पर सैनिटाइजर यूज़ किया, ये लगा हुआ है। तो यहाँ से एंट्रेंस है, तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर पहले लास्ट टाइम आया था तो जितनी भी प्रिंटिंग थी वो सब वहाँ से होती थी, वहाँ पर PC वगैरह लगे होते थे, तो यहाँ से जो प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकते थे हम। तो कोरोना वायरस के चक्कर में सब चेंज हो गया है, वो पीछे वहाँ पर वॉशरूम बने हुए हैं, तो यहाँ पर ये बुक्स वगैरह हैं। तो ये जो आप मशीन देख रहे हो गाइस, ये वाली भी प्रिंट आउट वगैरह निकालने के लिए मशीन लगी हुई है। आप जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको ना ID कार्ड जो मिलता है,
तो उसमें एक बैलेंस होता है, वो आपका प्रिंट आउट निकालने के लिए होता है, 10 पाउंड होता है, किसी में 15 भी होता है, तो वो डिपेंड करता है। उससे आप जाओगे वो आपको इंक्लूडेड होता है, वो आप जैसे उसको स्कैन करोगे अपने आईडी कार्ड पे, तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, जितने मर्जी आप निकाल लो, वो आप फिर डिडक्ट हो जाता है। जैसे हम रिचार्ज कराते हैं ना, तो वैसा ही सीन है यहाँ पर भी। वो मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैंने प्रिंट आउट निकालने, फिर मैं यूज़ यूज़ करूँगा। मेरे में अभी 6-7 पाउंड पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ से बुक रिटर्न होती है, इसमें डाल देते हैं, इस मशीन में जो रिटर्न होती हैं बुक्स। तो इशू जो जहाँ से आपने बुक लेनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। सो गाइज, यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, आपका पीसी बुक होता है, तो ये बुक्स वगैरह स्कैन हो रही हैं यहाँ पर। गाइज, ये वाली जो मशीन है, यहाँ पर आप बुक इशू करवा सकते हो। अगर आपको कुछ चलाना नहीं आता है, तो आप बुक जो मैडम होती है यहाँ पर, हम उनसे बात करके भी आपको बुक इशू हो जाती है। वो सेकेंड है यहाँ पर, और ऊपर भी काफ़ी सारी हैं, 3-4 मशीनें हैं, तो यहाँ पर बुक इशू हो जाती है। ये नीचे का रास्ता जाता है लाइब्रेरी के, तो यहाँ पर पूरी शांति है। जिन्हें जो स्टूडेंट पढ़ने होते हैं जिन्होंने, वो नीचे पढ़ लेते हैं। ये जो गाइस सब चैम्बर देख रहे हो यहाँ पर, ये पढ़ने के लिए हैं, स्टूडेंट सभी पढ़ रहे हैं, और अंदर बैठने की जगह है, और यहाँ वॉशरूम वगैरह है, ये ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये बाहर का व्यू है यहाँ से, ट्रीज आपको देखे गए होंगे, ऑटम का चल रहा है जो। तो गाइस, यहाँ पर बुक्स वगैरह पड़ी हैं, तो ये सब इंटरटेनमेंट की वाली बुक्स हैं जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, द बुक ऑफ डस्ट। तो नॉवेल्स वगैरह हैं, स्टोरीज वगैरह हैं, मैगजीन्स वगैरह भी होती हैं, बाकी अपने काम की किताबें भी होती हैं। आप उनको बोलोगे तो आपको इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, जो भी आपके बिजनेस स्टडी की बुक्स हैं, वो आपको मिल जाएंगी यहाँ से। यहाँ भी बुक्स पड़ी हैं, तो बिजी नहीं है इतना। तो यहाँ पर भी प्रिंटिंग की मशीन लगी हुई है, तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हो। ये जो मशीन है, यहाँ पर आपने स्टूडेंट आईडी डालनी होती है। अंदर आया था, इधर जो ये वाला सेक्शन है, जो ये वाला सेक्शन आप देख रहे हो, तो ये बच्चों के लिए यहाँ पर, तो उनको यहाँ पर बुक्स मिल जाती हैं आर्ट और क्राफ्ट की, क्राफ्ट वगैरह भी करते हैं। तो मैडम को मैंने बोला कि आप वीडियो में आओगे, तो मैडम ने मना कर दिया, कहती मैं शाही हूँ। तो उधर चलते हैं आगे। बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है, गाइज मैं टॉप फ्लोर पे आ गया था, तो यहाँ पर मैं भी शूट कर सकता हूँ, मुझे मिल गई थी परमिशन, मैंने बताया, फॉर्म फिल किया था। तो यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, आपको कोई भी बुक चाहिए तो वहाँ पर रिसेप्शन है, तो मैडम से आप बुक्स ले सकते हो। तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, बंदा पढ़ने वाला होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, पीसी वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ से बाहर का व्यू है, तो आप देख सकते हो हम कहाँ कितने टॉप पर हैं। और ट्रीज देखो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो
मेरे पीछे ये यहाँ पर बैठने का अरेंजमेंट होता था, तो ये सब कोरोना वायरस के चक्कर में बिल्कुल ही यहाँ पर चेंज हो गया सभी। पहले बहुत ही बढ़िया सीन था यहाँ पर। ये देखो आप यहाँ पर कैसे इन्होंने चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं सभी, नहीं तो वहाँ पर बैठने का बहुत बढ़िया सीन था। सोफा लगे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ वो लिफ्ट वगैरह भी लगी हुई है। ड्रिंक का अरेंजमेंट है, यहाँ पर पैसे डालो और ड्रिंक पी लो, मशीन लगी हुई है। ये बढ़िया लगा मुझे। ये सब पीसी यूज़ करने के लिए तो नीचे आपको बुकिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले, जैसे मैंने आपको रिसेप्शन दिखाया नीचे, तो वहाँ से आप बुक कर सकते हो, फिर आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइस मेरा पीसी बुक हो गया था, ये नंबर मिला है 1711। यहाँ पर हम आईडी डालेंगे और लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ गाइस मैंने अपना ये कार्ड लगाया, तो यहाँ पर स्कैन होता है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो प्रिंट आउट निकलेंगे, मुझे इतना कॉस्ट होगा 10p। तो यहाँ से मशीन से बस मैंने एंटर करना है प्रिंट आउट, बस प्रिंट आउट निकल जाएगा। बस इतना काम है। नहीं पूरी लाइब्रेरी दिखा दी है, मैं होप करूंगा आपको बढ़िया लगी होगी। और एक चीज़ रह गई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने कोई बुक रिटर्न करनी है तो आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो, तो आप इसमें डालोगे। पहले अंदर होता था, ये कोविड के चक्कर में अब यहाँ पर हो रहा है, तो आपने बुक यहाँ पर डालनी है तो आपकी रिटर्न हो जाएगी। तो गाइज मैंने आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ वूस्टर की लाइब्रेरी दिखा दी है और मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये पीछे बाहर का व्यू है, आप देख सकते हो। तो ठीक है गाइज, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।